तो हेलो मेरे जिगर के टुकड़े लंडे लोग, आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत खास और इम्पोर्टेंट होने वाला है मेरे भाई, क्योंकि आज का वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि भाभी से फोन में किस तरह से बात करें। यदि भाभी का नंबर आपके पास है और लगता है कि नहीं ये भाभी मुझे पसंद है, इसे पटाना चाहिए, तो किस तरह से बात करें। तो मेरे भाई, भाभी से फोन में किस तरह से बात करें, चलिए आज मैं आपको ये चीज बताता हूं। यदि आप भी जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, कहीं भी स्किप मत कीजिएगा मेरे भाई, क्योंकि आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही मस्त टॉपिक लेकर आया है। तो चलिए मैं अपना बकवास छोड़कर सीधा चलते हैं अपने टॉपिक पर। तो मेरे भाई, पहले उस औरत के बारे में आपको जानना होगा कि वो फ्री कब रहती है, क्योंकि औरत को बहुत सारा काम होता है, वो आपको भी मालूम होगा। औरत को कितना टेंशन होता है, दिन भर का काम, पति को संभालना, बच्चा को संभालना, सास ससुर को संभालना, ननद देवर को संभालना, बहुत झमेला होता है। उससे जो टाइम निकलता है उस टाइम को आपको जानना होगा। यदि मेरे भाई उस टाइम को यदि आप जान गए ना, तो कोई भी औरत को आप इंप्रेस कर दीजिएगा, कोई भी औरत को आप पटा लीजिएगा अपनी बातों से। तो यदि आपको ये चीज नहीं पता है तो अपना एक्सपीरियंस से आपको बताते हैं। जहां तक मेरा एक्सपीरियंस है कि हाँ, औरत जो होती है ना, वो 2 से 5, 2 बजे दोपहर से 5 बजे शाम तक वो फ्री रहती है ज्यादातर औरत, और जो कुछ है वो बिजी हो सकती है घर में ज्यादा काम होने के कारण। तो ये आपको अच्छा होगा कि यदि उस औरत से आपका बात होता हो ना, तो उससे पूछ लीजिए कम से कम कि हाँ आप फ्री किस समय रहते हैं, तो आपको पटाने में और भी आसानी होगी। तो नंबर 1, आपको करना क्या है, उससे जितना भी हो सके उसके खूबसूरती का तारीफ कीजिए, खूबसूरती का माला गूंथ दीजिए, क्योंकि मेरे भाई औरत जो होती है ना, वो तारीफ की भूखी हो जाती है। उसके घर में इतना काम ही होता है ना कि वो सबका मौका उसे नहीं मिलता, और थोड़ा सा यदि मौका मिलता है उसे, यदि आप उस जगह में उसका तारीफ, उसके मन वाले चीज, उसके दिल में जो है वो आप उसे सुना दोगे ना मेरे भाई, तो वो दिन भर की थकान भूलकर आपसे इंप्रेस हो जाएगी, आप पे उसका दिल धीरे धीरे आने लगेगा। आप उसके तारीफ करो, नॉर्मली तारीफ करो, ऐसा नहीं कि जो नहीं है वो भी हांक रहे हैं, हांकना नहीं है, जो है कि भाभी आप बहुत खूबसूरत हो, पहले से और भी मस्त हो गई हो, एक बच्चा हुआ लेकिन लग नहीं रही हो, अभी भी आप कुंवारी लगती हो, मतलब अपना हिसाब से एकदम देना है, एकदम फेंकते रहना, और ज्यादा नहीं फेंकना, नहीं डायरेक्ट फेंका जाएगा तुम उसके दिल से। और नंबर 2, उससे बीच बीच में मजाक करें, भाभी देवर है, थोड़ा मजाक तो चलता है। अब ऐसा भी बात ना करने लगे कि औरत बोर हो जाए, नहीं, थोड़ा मजाक भी करें, थकान कैसे दूर होगी उसका, थोड़ा सा मजाक तो करना बनता है। बीच बीच में उसे फ्लर्ट भी करें, अब ज्यादा भी फ्लर्ट नहीं, नॉर्मली फ्लर्ट करें कि भाभी को अच्छा लगे, आपसे बात करके अच्छा लगे, उसे अपना लत लगा दीजिए कि हाँ थोड़ा सा भी उसको टाइम मिले ना, था आपसे बात करने के लिए वो छटपट आए, ऐसा लत लगा दीजिए। बीच बीच में फ्लर्ट कीजिए, मजाक कीजिए, मेरे भाई औरत ये सब चीज की भूखी होती है, क्योंकि ये सब चीज जल्दी उसे नसीब नहीं होता है, वो औरत है, क्या है, औरत है, उसे घर का बहुत परेशानी है, घर का पूरा लोड है उस पर। तो मेरे भाई थोड़ा सा बीच बीच में उसे इंप्रेस करना होगा। और नंबर 3, अपने एक्स गर्लफ्रेंड के बारे में कुछ कुछ बताइए। अच्छा, यदि आपका एक्स गर्लफ्रेंड ना हो, आप कभी जिंदगी में माल पटाए ही ना हो, जिंदगी में कोई लड़की मतलब पटाए ही ना हो, तो मेरे भाई कुछ बनाकर उसे बता दे कि भाभी एक मेरी गर्लफ्रेंड थी, हूबहू आप ही के शक्ल की थी, और जब मैं आपको देखता हूं ना उसी का याद आ जाता है, जब मैं आपसे बात करता हूं ना तो वो याद आ जाती है कि एक लड़की थी जिससे मैं इसी तरह बात करता था, मुझे आपको देखकर ऐसा लगता है कि वो आप ही हैं और मैं उससे ही बात कर रहा हूं, आप मेरे दिल को भा गई हैं, ये सब करना। और नंबर 4, अच्छा सा टाइम देखकर, अच्छा सा कि भाभी का भी मूड सही हो,
यदि उसे बुरा भी लगे तो बुरा ना माने, ठीक है, बुरा भी लगे तो बुरा ना माने। कुछ अच्छा टाइम होना चाहिए मेरे भाई, भाभी खुश रहना चाहिए उस दिन, उसके अंदर पूरा खुशी भरा हो, खुशहाली भरा हो, जैसे उसका बर्थडे का दिन हो। जिस दिन भाभी का बर्थडे हो उस दिन भाभी बहुत खुश रहती है। उस दिन हो सके तो आप अपने प्यार का इजहार कर सकते हैं, आप उसे प्रपोज कर सकते हैं। अब ऐसा मत कर दीजिएगा कि भाभी तो अपना एनिवर्सरी का दिन भी बहुत खुश होती है, मैरिज एनिवर्सरी का दिन बहुत खुश होती है, आप उस दिन जाके कहीं मत बोल दीजिएगा भाभी हम आपसे प्यार करते हैं, तो उस दिन बेटा खलजाते जूता पड़ेगा। ऐसा कभी मत करना। उसके मैरिज एनिवर्सरी का दिन भी खुशी रहती है, पर मैरिज एनिवर्सरी का दिन मत करना भूल से भी, नहीं तो पूरा घर वाला मिलके बेटा मारेगा, कोई नहीं बचाएगा। तो चलिए, यदि वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा मेरे भाई। और हमारा चैनल प्रेम लव गुरु को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए ना तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह का वीडियो आप लोगों के बीच आता रहेगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, गुड बाय।